हेलो एवरीवन, दिस इज़ कंटिन्यू ऑफ बिपिन बाबूस लैप्स ऑफ मेमोरी चैप्टर एंड दिस इज सीन टू। बिपिन बाबूस कार वाज सेफली पार्क्ड इन बेरतराम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, विल यू सीतारमन। सीतारमन इट मीन्स इज Bipin Babu entered in the car. He said to his driver that just drive to the Ganga side. Driving up the strand road, Bipin Babu regretted having paid so much attention to the intruder. Regretted means feel sorry. Regretted means feel sorry. Having paid so much attention, why did he give so much attention to the intruder? Intruder means वो जो ज़बरदस्ती अपने किसी साथ अपने साथ बैठना है, अपने साथ बात करना, बिना अधिकार के प्रवेश करने वाला intruder. He had never been to Ranchi. No question about it. It means Bipin Babu is here showing that he is very sure about that he had never been to Ranchi. वो कभी रांची गए ही नहीं है. No question about it. उसके बारे में कोई प्रश्न भी नहीं है. It was inconceivable. It was inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. उन्हें इस बात पर बिलीव नहीं हो रहा है, ये उनकी समझ से बाहर है. It was inconceivable. Inconceivable समझ से बाहर होना. That he should forget कि वो भूल चुके हैं such an incident, ऐसी कोई घटनाक्रम which took place only 6 or 7 years ago, जो 6-7 साल पहले कोई घटना हुई है, ऐसी बात को how can he forget, वो कैसे भूल सकते हैं. He had an excellent memory. वो ये कहते हैं that he had an excellent memory. Unless जब तक Bipin Babu's had reeled. Reeled means shocked and confused. जब तक Bipin Babu इस बात के ऊपर जोर देते रहते हैं, जब तक उनका दिमाग कन्फ्यूज या शॉक्ड ना हो जाए. Was he losing his mind? Here again is question. Bipin Babu is thinking that was he losing his mind, but how could that be? ये कैसे हो सकता है? He was working daily in his office. It was a big firm and he was going a responsible job. वो अपने जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से एक बड़ी फर्म के अंदर काम कर रहे हैं. He wasn't aware of anything ever going seriously wrong. He was not aware. उन्हें ऐसा नहीं पता नहीं है. Only today he spoke for half an hour at an important meeting. वह किसी मीटिंग के अंदर आज वो आधे घंटे तक बोले हैं. एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डीड अबाउट हिम. और दूसरी बात ये कि वो व्यक्ति द मैन मीन्स परिमल घोष न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, कि उनके बारे में सब कुछ जानता है. हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे संभव है? He ever seemed to know some intimate details. वो उनके बारे में कुछ ऐसी जानकारी भी जानता है. The bag of books, wife's death, brother's insanity. The only mistake was about his having gone to Ranchi. और ये सब किससे हो रहा है? कि उनके रांची जाने की बात से है. Not a mistake, a deliberate lie. ये मिस्टेक नहीं, एक जानबूझ के बोले जाना झूठ भी हो सकता है. In 58, during the pujas, he was in Kanpur and his friend Haridas Bagche's place. It means he is very sure about that in 58, during the pujas, he was in Kanpur at his friend Haridas Bagche's place. All Bipin Babu had to do was right. अब क्या सही है क्या नहीं, इसके बारे में क्या करना चाहिए? नो, देर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास. इवन वो हैड टू डू ऑल वॉज राइट टू, या उनको कुछ लिख के पूछा जाए. नो, देर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास. हरिदास को लिखने का कोई सही वे नहीं था. बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड डैट हरिदास हैड लेफ्ट विथ हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स एगो. कि कुछ समय पहले ही, सम वीक्स एगो, हरिदास हैड लेफ्ट, जा चुके थे अपनी वाइफ के साथ. एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस, और न ही
विपिन बाबू के पास उसका एड्रेस है। बट देयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, बट वेयर वॉज द नीड ऑफ प्रूफ, किंतु यहाँ प्रूफ की कहाँ आवश्यकता है। ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर डेट ही डिडंट बीन टू रांची। यहाँ पर बिपिन चंद्र ही मीन्स बिपिन बाबू, हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर, उन्हें इस बात का पूर्ण अवेयर डेट ही हैड नॉट बीन टू रांची, वो कभी रांची गए नहीं है। एंड डेट वॉज डेट, और यही सब कुछ है। द रिवर ब्रिज वॉज ब्रेसिंग एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बापू बिपिन बाबू स्माइल्स। कार नाउ क्रॉसिंग द ब्रिज एंड येट स्लाइट डिस्कम्फर्ट, हल्का फुल्का डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन हिज माइंड, इन बापूज माइंड, कोई बात आ रही है, अटक रही है और वापस निकल रही है। अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स। हेस्टिंग के यहाँ पहुँचते हैं, बस बिपिन बाबू ने डिसाइड किया टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी। और बिपिन बाबू ने अपने ट्राउजर्स की पैंट को रोल, ट्राउजर्स के एक पार्ट को रोल किया एंड लुक एट द वाउंड प्लेस, लुक एट द हिज राइट नी। देर वॉज अ मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट एंड ही वॉज शॉक्ड, देर वॉज अ ओल्ड इंच लॉन्ग कट वॉज ऑन हिज नी। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल वैन द इंजरी हैड अकर्ड, और उनके लिए इट वॉज वेरी शॉक्ड, इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल वैन द इंजरी हैड अकर्ड, कब यह घटनाक्रम उनके साथ ही, ही डिडंट नो, उन्हें कुछ पता नहीं था। हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी, हैड ही नेवर फॉल, क्या वो कभी नहीं गिरे एज अ बॉय, जैसे कोई बच्चे गिर जाते हैं, एंड कट हिज नी। ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुड नॉट, ही ट्राइड टू रिमेंबर दैट इंसिडेंट बट ही कुड नॉट। देन विपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट दैट सेम टाइम। द मैन मीन्स परिमल घोष सेड दैट दिनेश वॉज देयर विथ यू एट दैट सेम टाइम। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड टू बी आस्क हिम, सबसे सही तरीका क्या रहेगा, आस्क टू दिनेश, ही लिव्ड क्वाइट नियर, जो पास में ही रहता है, इन बेनी नंदन स्ट्रीट के अंदर पास में ही रहता है। वाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, बट देन इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची ही वुड, वाट वुड दिनेश थिंक इफ बापू वुड आस्क फॉर अ कन्फर्मेशन। यहाँ पर वाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, तब क्या होगा, वैन इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, वो कभी रांची गए ही नहीं, या ही डिडेंट नो टू दिनेश, वाट वुड दिनेश थिंक इफ बापू बिपिन बाबू आस्क्ड फॉर अ कन्फर्मेशन, किस बात का कन्फर्मेशन, वो उनसे किस बात की पुष्टि कराना चाहते हैं। He would probably conclude Bipin Babu was going nuts. No, it would be ridiculous to ask him. इस प्रकार से उनसे पूछना यह एक हास्यास्पद रहेगा। Ridiculous means laughable, हास्यास्पद। And he knew how ruthless Dinesh's circumstances could be. और वो जानते हैं, he knew how ruthless, रूथलेस मीन्स क्रूर या ब्रूटल, या उसका बिहेव दिनेश सरकम्स ताना, सरकम्स मीन्स व्यंग कसना, किस प्रकार का रहेगा, ही न्यू, वह जानता है। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम बिपिन बाबू फेल्ट एट एस अगेन, अपने एयर कंडीशन रूम में बैठकर सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक, देन बिपिन बाबू फेल्ट एट एस अगेन, कुछ उनके समय उस समय दिमाग के अंदर थोड़ा सा आराम महसूस हुआ। सच अ न्यूसेंस, किस प्रकार का
किस प्रकार की बाधा या ऑब्स्टिकल ये मेरे माइंड के अंदर चल रही थी. जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर. जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स, जबकि उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर, क्यों किसी के बीच में टांग रहा. मीन्स गो अदर पीपल्स हेयर मीन्स इंटरफेयरिंग विथ एनोइंग पीपल, किसी को चिढ़ा देना या किसी के मामले में हस्तक्षेप करना. After dinner, snuggling in bed means आराम से कसकर सोना, सट कर किसी के साथ, तकिए रजे के साथ सट कर सोने वाला. Snuggling in bed with one of the new thrillers. New thrillers means Bipin Babu purchased some books from market and there was also a thriller. Bipin Babu forgot all about the man in New Market. जो कुछ भी घटनाक्रम उस समय हुआ था, सुबह की बात थी, जो भी था, Bipin Babu forgot all about while he started the thrillers. Next day in the office, Bipin Babu noticed that with every passing hour, the previous day's encounter was occupying more and more of his mind. Encounter means किसी से जो मुठभेड़ होना या जो भी कोई मेल मिलाप हुआ था उसको लेकर वो सारी बातें उनके दिमाग के अंदर ऑक्यूपाइंग, बार बार सराउंड हो रही थी, जो सामना हुआ था या आकस्मिक किसी से मिल जाना, एनकाउंटर. इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबूज, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची स्ट्रिप. He thought that himself, if the man knew so much about Bipin Babu के बारे में इतना जो कुछ जानता है, how could he make such a mistake? वो ऐसी mistake कैसे कर सकता about the Ranchi trip? Just before lunch से पहले, Bipin Babu decided to ring up Dinesh Mukherjee. Ring up means call, to call him. It was better to settle the question over the phone. ये सही रहेगा. इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन. एट लीस्ट द एम्ब्रेसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो. जो भी परेशानी या उलझन जो शर्मिंदगी उसके चेहरे पर रहेगी वो कुडंट शो, वो दिख नहीं पाएगी. मतलब बिपिन बाबूज एम्ब्रेसमेंट वुड नॉट बी सी टू दिनेश मुखर्जी. 2, 3, 5, 6, 1, 6 Bipin Babu dialed the number. Hello. Is that Dinesh? This is Bipin here. Well, what's the news? I just wanted to find out if you recall an accident which took place in 58. मैं सिर्फ वो एक जानकारी चाहता हूँ. I just want to find out if you recall, क्या तुम याद दिलाओगे मुझे, an incident, वो घटनाक्रम which took place in 58, जो 1958 में हुआ था. 58, what incident? Were you in Calcutta right through that year? That's the first thing I have got to know. मैं पहले ये बात जानना चाहता हूँ. Were you in Calcutta right through that year? Wait just a minute. Dinesh Mukherjee said, wait just a minute, 58, just let me check in my diary. For a minute there was silence. It means as Bipin Babu was searching the date in his diary, that time was very silent. Bipin Babu could feel that his heartbeat had gone up. Us samay Bipin Babu ko us samay aisa lag raha tha ki uski heartbeat badh gayi hai. He was sweating a little. उसको पसीना भी आ रहा था. Hello. Yes, I have got it. I had been out twice. मैं उस समय दो बार बाहर जा चुका था. बाहर था. Where?
वंस इन फेब्रुवरी नियर बाय फेब्रुवरी के करीब करीब टू कृष्णा नगर टू अ नेफ्यूज वेडिंग. एक बार तो मैं कृष्णा नगर के अंदर था इन नेफ्यूज वेडिंग एंड देन और उसके बाद बट यू वुड नो अबाउट दिस वन. इसके बारे में तुम पता होगा द ट्रिप टू रांची क्या था दूसरा द ट्रिप टू रांची यू वर देयर टू तुम भी तो वहाँ पर थे. डैट्स ऑल बट व्हाट्स ऑल दिस स्लेव थिंग अबाउट किंतु इस प्रकार की जासूसी का क्या मतलब इसकी पूछताछ का क्या मतलब है. नो आई जस्ट वॉन्टेड टू एनी वे थैंक्स ही डिडंट क्लियर एनीथिंग एंड बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन और बिपिन बाबू ने रिसीवर को नीचे रख दिया एंड ग्रिप्ड हिज हैड और अपने हाथों से विथ हिज हैंड ग्रिप्ड जकड़ लिया अपने हाथों से अपने सिर को पकड़ लिया. ही फेल्ट हिज हैड स्विमिंग उनको ऐसा लग रहा था कि उनका सिर चक्कर खा रहा है. अ चिल सीम्ड टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी एक ठंडक सी बिल्कुल ठंड सी लहर उनके शरीर पर छा गई. देयर वर सैंडविचेज इन हिज टिफिन बॉक्स बट ही डिड नॉट ईट देम वह उन्हें नहीं खाए. ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट उनकी भूख भी गायब हो गई. एज ही नो एज दिनेश मुखर्जी टोल्ड हिम डेट ऑन 58 ही वॉज इन रांची एंड आफ्टर हियरिंग हिज फ्रेंड्स वर्ड्स बिपिन बाबू लॉस्ट हिज सेंस एंड ही slammed the receiver down and gripped his head with his hands. So dear students, this is scene 2, this was scene 2. You will do question answers, comprehension, check out questions yourself and try to find out answers and write down in your notebook.